एक बार बंटी को अपने ऑफिस से बड़े दिनों बाद छुट्टी मिलती है। बंटी अपने सबसे करीबी दोस्त टिंकू को फोन लगाता है। हेलो, हाँ भाई बंटी, क्या हाल चाल है? बस भाई टिंकू, बड़े दिनों बाद आज ऑफिस से छुट्टी मिली है, सोचा तुम्हें फोन लगा लूं। आज तो बस आराम करूंगा मैं। हाँ भाई, रोज रोज वही सेम रूटीन से मैं भी बोर हो गया हूँ, क्यों ना आज हम दोनों साथ में वीडियो गेम खेलें? हाँ ठीक भाई, आ जाओ, मैं घर पे ही हूँ। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। फिर बंटी फोन रख के नहा धो के तैयार हो जाता है और टिंकू के आने का इंतजार करने लगता है। टिंकू भी घर से निकल जाता है। कुछ ही देर में वो बंटी के घर पहुंच जाता है। टिंकू डोरबेल बजाते हुए गाना गुनगुनाता है। करेंगे दारू पार्टी, करेंगे पिज्जा पार्टी, करेंगे दारू पार्टी, करेंगे पिज्जा पार्टी। बंटी गेट खोलता है। अरे टिंकू, तुम आ गए, आओ आओ अंदर आओ। दोनों दोस्त अंदर जाते हैं। और बताओ यार, क्या प्लान है आज का? खाएंगे पिएंगे वीडियो गेम खेलेंगे और क्या। दोनों दोस्त टीवी में वीडियो गेम खेलना शुरू करते हैं। भाई भूख लग रही है, अरे तो कुछ ऑर्डर कर लेते हैं ना। हाँ चलो पिज्जा ऑर्डर करते हैं। ये दोनों पिज्जा ऑर्डर करते हैं और ऑर्डर आने का वेट करने लगते हैं। तभी एक फोन आता है। हेलो, कौन? मैं पिज्जा बॉय बोल रहा हूँ, आपने पिज्जा ऑर्डर किया था? हाँ जी। मुझे पिज्जा खाने वाले लोग बहुत पसंद हैं। आपका पिज्जा बस रास्ते में है। बंटी डर जाता है और फोन रख देता है। अरे क्या हुआ भाई, तुम कांप क्यों रहे हो? अरे भाई कुछ नहीं, पिज्जा आने वाला है, डिलीवरी बॉय का फोन था। कुछ देर बाद डोरबेल बजती है। कौन कौन है? अरे पिज्जा आया होगा, जाना गेट खोल। फिर बंटी दरवाजा खोलता है। दरवाजे पर देखते ही बंटी के हाव भाव बदल जाते हैं। कौन कौन हो तुम? नहीं ये नहीं हो सकता। दरवाजे पर एक भूत पिज्जा डिलीवरी बॉय की ड्रेस में पिज्जा लेके आता है। मैं हूँ, फोन पे बात हुई थी ना, पिज्जा डिलीवरी बॉय। हमें पिज्जा नहीं चाहिए, वापस ले जाओ। खा के तो देखो, मेरा पिज्जा जो भी खाता है उसे मजा आता है। डर के मारे बंटी वो पिज्जा कांपते हाथों से ले लेता है। अरे क्या हुआ भाई, कोई भूत देख लिया क्या? इतना पसीना क्यों आ रहा है तुम्हें? वो पिज्जा भूत? अरे भाई ये क्या कह रहे हो, चलो छोड़ो पिज्जा खाते हैं। टिंकू पिज्जा डब्बे से निकालता है और खाने लगता है। पिज्जा का एक टुकड़ा खाते ही टिंकू के हाथ पांव कांपने लगते हैं। अरे ये मुझे क्या हो रहा है? अरे कोई बचाओ मुझे, ये मेरे हाथ पैर को क्या हो रहा है? धीरे धीरे टिंकू के पैरों का रंग बदलने लगता है। टिंकू के पैर हरे होने लगते हैं। अरे मैं नहीं बचूंगा अब, लगता है पिज्जा में कुछ मिलाया है किसी ने। बचाओ मुझे, बचाओ। बहुत बहुत दुख रहा है मेरा शरीर। बंटी डर के मारे चीखने चिल्लाने लगता है। अरे ये कोई भूतिया पिज्जा है, अरे मेरे दोस्त की मदद करो कोई। देखते ही देखते टिंकू पूरी तरह हरे रंग का हो जाता है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। टिंकू अब एक भूत बन चुका होता है।
मुझे कोई नहीं रोक सकता, अब मैं ताकतवर बन चुका हूँ। बंटी टिंकू का भूतिया रूप देख के हैरान रह जाता है और वहाँ से भाग खड़ा होता है। टिंकू भी अब उस भूतिया पिज्जा डिलीवरी बॉय के ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है। भूतिया पिज्जा ग्रुप में तुम्हारा स्वागत है। अब हमें और लोगों को भी अपने जैसा बनाना है। अब सब मिलके यहाँ राज करेंगे। जी हुकुम सरकार। दूसरी तरफ बंटी अपने घर पहुंचता है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। मैं क्या करूं? अपने दोस्त को कैसे बचाऊं? कैसे उन भूतों के गिरोह से टिंकू को वापस लाऊं? नहीं नहीं, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। यहाँ पिज्जा ग्रुप और लोगों को भी भूतिया पिज्जा खिला खिला के उन्हें भी अपने जैसा बना रहे थे। एक और दरवाजे पर दस्तक होती है। रोहन दरवाजा खोलता है। अरे यहाँ तो कोई नहीं है। तभी उसकी नजर नीचे रखे पिज्जा पर पड़ती है। अरे ये पिज्जा, चलो खाते हैं। फिर जैसे ही रोहन पिज्जा स्लाइस खाता है, वो भी भूतिया रूप में बदलने लगता है। अरे अरे मुझे ये क्या हो रहा है? ओ, 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 मम्मी मम्मी बचाओ, ये मुझे अचानक क्या हो रहा है? मदद करो, कोई मेरी कोई है, बचाओ। तभी कुछ ही देर में रोहन पूरी तरह भूत बन जाता है। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तभी वहाँ पिज्जा भूत प्रकट होते हैं और रोहन का भूतिया ग्रुप में स्वागत करते हैं। अब हमें कोई रोक नहीं सकता। यहाँ बंटी सोच सोच के परेशान होने लगता है। मैं किसे बताऊँ ये बात? कोई मेरी बात का विश्वास नहीं करेगा। अब क्या करूँ मैं? हाँ, तभी बंटी को एक उपाय सूझता है और बंटी एक पिज्जा ऑर्डर करता है। कुछ ही देर में बंटी के दरवाजे की घंटी बजती है। बंटी डरते डरते खिड़की से बाहर देखता है। अरे बाप रे, बाहर तो भूतिया पिज्जा डिलीवरी बॉय है, कैसे जाऊं बाहर? पर जाना तो पड़ेगा। फिर बंटी डरते डरते गेट खोलता है। ये लीजिए आपका पिज्जा और मौज कीजिए। बंटी डरते हुए पिज्जा ले लेता है और दरवाजा जानबूझ के खुला रखता है। अरे आप भी अंदर आओ ना, पानी ले लो, थक गए होंगे आप भी। डिलीवरी बॉय भूत बंटी की चालाकी समझ नहीं पाता और वो अंदर आ जाता है। बंटी पिज्जा को साइड में रख के चुपचाप किचन में जाता है और एक ग्लास में पानी लेता है। फिर उस ग्लास में गंगा जल मिला देता है। ये लो पानी पी लो, बाहर धूप तेज है ना। पी लेता हूँ, वैसे भी ये पिज्जा खाएगा और भूत बन जाएगा मेरी तरह, मुझे इससे क्या खतरा होगा। फिर जैसे ही भूत वो पानी पीने लगता है, उसकी देह तड़पने लगती है। अरे ये क्या, ये कैसा पानी है? नहीं, मेरी देह इतनी क्यों तड़प रही है? यहाँ भूत छटपटा रहा होता है और वहाँ बंटी उस भूतिया पिज्जा को मंदिर में रख देता है। जैसे ही पिज्जा मंदिर में पहुँचता है, पिज्जा भस्म होने लगता है। अरे नहीं नहीं, इस पिज्जा में ही तो हमारी शक्तियाँ हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बचाओ बचाओ। जैसे जैसे पिज्जा भस्म होता है, वैसे वैसे सारे भूत एक एक करके प्रकट होने लगते हैं और वो भी भस्म होने लगते हैं। थोड़ी देर में पूरा का पूरा पिज्जा जल जाता है और सारे लोग भूतिया शक्ति से मुक्त हो